This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello beautiful ladies, my name is Purnima Kotak and I'm a personal branding coach. मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ और आपके साथ आज आई हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बताने को। पर्सनल ब्रांडिंग इज़ अ वेरी वेरी न्यू सब्जेक्ट एंड इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस आजकल मार्केट में फ्लोट हो रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्सनल ब्रांडिंग वाकई में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल ब्रांड मतलब क्या। पर्सनल मतलब एक इंसान या आप या मैं। ब्रांड एक चीज है जो आप आमतौर पे मार्केट में आप देखते हो। सर्फ एक्सेल एक ब्रांड होता है, लैक्मे एक ब्रांड होता है, एंड एलजी इज अ ब्रांड, एंड एप्पल इज अ ब्रांड, और सैमसंग इज अ ब्रांड। देयर आर मेनी 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 ब्रांड्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन द मार्केट एंड जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं। You and I are brands, but we are human brands. क्यों हम brands हैं? इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। Any brand that you use has features, advantages, and benefits. And when you were born, you also were branded. इसका मतलब ये है कि जब आप पैदा हुए थे, जब आप समझो कि हॉस्पिटल में थे और आपके माँ बाप आपके साथ थे, एंड आपके आंटी अंकल मौसा मौसी ताया ताई जो भी हैं आपसे मिलने को हॉस्पिटल में आए थे, आपके माँ बाप के दोस्त भी आए थे, आपके नेबर्स भी आए थे। अगर कोई इंसान बाहर खड़े होके, मतलब रूम के बाहर खड़े होके, वो हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़े होके आपके रूम के अंदर क्या हो रहा है वो अगर सुनते तो क्या सुनाई देता उनको? यही ना कि कोई बोलते ओ इसका रंग देखो, चेहरे का रंग एकदम माँ पे गया हुआ है, और बच्चे की दादी अगर बोलती देखती तो बोलती अरे इसका चेहरा तो एकदम उसके दादा के जैसे दादा के साथ मिलता जुलता है, या कोई और बोलता कि नाक बिल्कुल अपने पापा के जैसे हैं, तो ये या बच्चा अगर कोई ना हाथ पे हिला रहा है तो बोलता ओह ये तो बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा या कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, ऐसा कुछ बोलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग आपकी ब्रांडिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। पर्सनल ब्रांडिंग माय फ्रेंड्स इज नथिंग बट हु यू आर एंड हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, हाउ अदर्स रिसीव यू एंड हाउ अदर्स परसीव योरसेल्फ। आप कौन हो, आप किस तरीके से अपने आप को पेश करते हो, लोग आपको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, और आपको कैसे रिसीव करते हैं और परसीव करते हैं, यही है पर्सनल ब्रांडिंग। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी दुकान बुक कीजिए KW Delhi 6 में। ग्रैब डबल बोनांजा ऑफर, ऑफर वैलिड टिल 31st July 2020। हरी, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब अगर ये है तो पर्सनल ब्रांड, अच्छा पर्सनल ब्रांड, एक बेहतरीन पर्सनल ब्रांड बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये चीज हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके पहले मुझे आपसे ये बात करना है कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरत है। हर किसी के लिए पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। क्यों? इफ यू आर अ वर्किंग वुमन, जब आप ऑफिस जाएंगे लोग आपको देखेंगे, आपको रिसीव करेंगे, जो भी आप बोल रहे हो आपको रिसीव करेंगे, और आपका परसेप्शन वो लोग उनके माइंड में करेंगे, जजमेंट करेंगे। व्हेनेवर वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ पीपल, एक तो अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम होता है, अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ये सब अपने अंदर होता है, राइट? व्हेन वी मीट पीपल आउटसाइड दे ऑल्सो बिल्ड सम कॉन्फिडेंस अबाउट अस इन देयर माइंड्स, दे ऑल्सो जज अस। When we present ourselves, जब हम लोगों के सामने आते हैं, it is very important to be our best self at all times. क्यों? क्योंकि जो भी हम उनको बोलते हैं या अगर नहीं भी बोल रहे होंगे, हमारे हाव भाव से, हमारे कपड़ों से, हमारे हम जैसे चलते फिरते हैं, हम जैसे बात करते हैं, बिहेवियर एंड एवरीथिंग, इससे हम बहुत सारे मैसेजेस लोगों को हमेशा देते हैं।
एंड व्हेन वी गिव मैसेजेस आउट, लोग हमारे बारे में ऑलरेडी लिस्ट बनाते रहते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, अच्छा इनके बारे में ये मैं जानता, तो ऑल दीज मैसेजेस आर एक्यूमुलेटेड इन देयर माइंड. जब उनके माइंड में हमारे बारे में जो मैसेजेस हम देते हैं वो एक लिस्ट बनता जाता है. When it is very very important and critical, वो time पे ये चीज़ें जो उनके mind में है ये उनके mind पे forefront पे आता है, मतलब उनके mind के आगे आता है, और वो ये सब चीज़ें उनको ध्यान में जो है वो सब वो remember करते हैं, memory में होता है, और वो इन चीज़ों को note करते हैं और सोचते हैं आपको promotion देना है कि नहीं है, आप कितने काबिल हो, वो उस सिचुएशन में आपने ऐसे इंटरेक्ट किया था, ऐसे बिहेव किया था, आपका रिएक्शन इस सिचुएशन में ऐसा था, ये सब चीज़ें लोग ध्यान में रखेंगे. एंड इस बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, या आपको इंक्रीमेंट कितना देना है, आपका करियर इस चीज़ पे डिसीजन करियर का आपका होता है. इफ़ यू वर्किंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, एवरी डे इज एन इम्पॉर्टेंट डे. तो अगर मैं बोलूँ आपको कि यू नो आप रोज के रोज पूरा अलर्ट रहो, वो लाइफ एकदम स्ट्रेसफुल हो जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम मैं अपने बेस्ट बन के ऐसे बन के बैठना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. तो क्या करना चाहिए हमको? ये करना चाहिए कि हम जैसे हैं, अगर हम 1 से 10 के बीच में स्केल पे, अगर हम 6 पे हैं, हमारा जो व्हाट डू यू कॉल द क्वालिटी ऑफ यू, अगर 6 पे है, उस चीज़ को हम नेचुरली 8 पे लेके जाएंगे. अगर हम नेचुरली 8 पे हैं तो हमको रोज़ रोज़ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है. We just need to be our natural self. That for me is working on your brand. अगर आप housewife हो, homemaker हो, let's say homemaker हो, अगर आप homemaker हो तो आपको रोज अपने husband से, अपने बच्चों से, अपने in-laws से, अपने माँ बाप से, आपके भाई बहनों से, सबसे, आपके अपने आप से आप बात करते हो, आप अपने आप से पेश आते हो, सबके साथ पेश आते हो. It is very important for you to be your best there, because you are creating an influence on everybody around you. आपके बच्चे अब आपके ऊपर dependent है, आपके बच्चे कैसे बनेंगे future में ये आपके ऊपर dependent है. तो आप अपने आप को एकदम strong बन के, powerful बन के आपका branding को uphold करना है. एक housewife का जो life है वो मैं भी जी चुकी हूँ, 3 साल मैं housewife बन के रही हूँ, so I exactly know how important it is for a homemaker or a mother or a wife to play her role to the fullest. एक business woman के बारे में बात करते हैं. जब आप बिजनेस में उतरते हो, नेचुरली एक अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि दुनिया भर में है, ये इंडिया में ही नहीं है, दुनिया भर में है, मगर इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है. ये है कि इफ़ यू आर अ वुमन एंड यू आर इन बिजनेस, आपको इतना व्हाट डू यू कॉल, डोर्स डोंट ओपन टू यू सो मच, आपके लिए दरवाजे आसानी से नहीं खुलते हैं जितना एक आदमी को खुलता है. बट वी कैन मेक दिस पॉसिबल फॉर अस, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन बिजनेस, आपको थोड़ा सा लोग कहीं ना कहीं, हम लोगों को, आपको नहीं मुझे भी, बिकॉज आई एम इन बिजनेस, हम लोग को थोड़ा सा लाइटली लेते हैं. तो एक कुछ परसेंट से 10% या 20% हमको एक्स्ट्रा व्हाट यू कॉल एफर्ट डालना पड़ेगा एक अच्छा ब्रांड बनने का. थोड़ा सा हमारा पावर क्वोशन्ट जो है, पावर क्वोशन्ट को थोड़ा सा लाइक गैस में हम आंच को थोड़ा सा ज़्यादा बनाते बढ़ाते ना, वैसे इस तापमान को भी थोड़ा सा हमको ज़्यादा, वी हैव टू ट्यून इट वार्मर और हॉटर अ लिटिल बिट, मे बी 20-25% मोर. क्यों? क्योंकि इफ वी कम अक्रॉस एज एनीथिंग बट 100% स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कम्प्लीटली अप्रोचेबल. अगर ये अथॉरिटी और अप्रोचेबिलिटी का अगर हम बैलेंस अच्छे से समझ जाएं, तो हमारे जैसा ब्रांड कोई नहीं हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस में हो तो, क्योंकि जॉब में अगर हो तो जॉब एटलीस्ट यू नो, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट आपका इंटरव्यू हो गया, आप अंदर चले गए, रोज के रोज आप काम करते रहे, अच्छा काम करते रहे, एंड इफ यू डिस्प्ले योर लीडरशिप स्किल्स एंड अगर आप ब्रांडिंग थोड़ा बहुत आप यूज कर लेंगे तो वैसे भी गाड़ी चल जाएगी. लेकिन बिजनेस में हर एक डील कैन बी अ, एवरी डील कैन बी अ मेक और ब्रेक डील.
कोई भी डील हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए, हर एक कस्टमर हमारे पास ही आना चाहिए और लोगों को लेके आना चाहिए। कोई भी बिजनेस में आपको ये उसूल आपका होना चाहिए। एज अ वुमन इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू होल्ड योर ब्रांड अप। क्यों? क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, घर पे भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, बैलेंस लाते हैं लाइफ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ विनर एवरी सिंगल प्लेस। सो व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग? पर्सनल ब्रांडिंग कंसिस्ट ऑफ फाइव एलिमेंट्स, सो आई कॉल इट फाइव गेटवेज। द फर्स्ट गेटवे इज अपीयरेंस। हम जो पहनते हैं कपड़े और हमारा जो ग्रूमिंग है, हमको देखते हैं, बाहरी जो हम पहनावा है इसको देखते हैं। दिस इज अपीयरेंस। नाउ अपीयरेंस इज द फर्स्ट थिंग पीपल थिंक, पीपल सी अबाउट यू। व्हेन दे सी यू, इफ योर अपीयरेंस इज नॉट समथिंग दैट इज ओके फॉर देम, दे विल नॉट लुक एट यू अगेन। ये तो आप भी मानते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं और वो थोड़ा सा 19-20 है और फिर हमको पसंद नहीं आया उनका अपीयरेंस, मतलब ये नहीं है कि मॉडल होके मेकअप होके हर बार चलना, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको कुछ एनर्जी से हमको पता चल जाता है कि ये ठीक ठाक है या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट गेटवे है, क्योंकि ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो अगर खुलेगा तो ये हमको एंट्री मिलेगा इवन हमारी बात जो है वो आगे रखने की। सो अपीयरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेटवे। ऐसा समझो कि आपके माइंड में एक गेट है और कोई है जो आप मिलते हो उनसे और उनको देखते हो, ये गेट खुल गया है और वो इंसान आपके माइंड के अंदर आ चुके हैं और एंड आपके माइंड के अंदर दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो कचड़े के डिब्बे पे जाता है, तो अगर आपको उनका अपीयरेंस आपको ठीक नहीं लगा तो आप उनको कचड़े के पेटी में डाल देंगे। अगर नहीं डाले और ठीक ठाक लगा तो वो आपके वो गेटवे से उतर के दे गो इनटू द नेक्स्ट गेटवे। अगला जो गेटवे है वो है पर्सनल स्किल्स का। इसका नाम मैंने पर्सनल स्किल्स रखा है। इसको आप बोल सकते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये है, खाली बातचीत नहीं, everything about you goes into communication, everything that talks about you goes into communication। इस चीज़ को हम थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। कम्युनिकेशन का मतलब है verbal communication, जो हम बात करते हैं, words को use कर रही हूँ, शब्द को use कर, तो वो है verbal communication। जो voice होता है वो है hello, ये volume है, वॉल्यूम, पिच, टोन, ये सब जो है वो वोकल कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर बॉडी लैंग्वेज है, मैं कैसे हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं सर हिला रही हूँ और मेरा बॉडी कैसा है, ऐसा है कि ऐसा स्ट्रेट है। हमारे बॉडी का एक अलग लैंग्वेज है। ये भाषा जो है, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे कंट्रोल में बहुत बार नहीं रहता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो बात करता है हमारे थॉट्स का लैंग्वेज, मतलब हमारे जो सोच है, हमारे जो विचार है, बिलीफ सिस्टम्स है, उस चीज को बॉडी से हम बाहर दिखाते हैं लोगों को। तो हमारा बॉडी पे बहुत सारा कंट्रोल, मैं हाथ ऐसे ही रखूंगी, शोल्डर्स ऐसे ही रखूंगी, ये होना बहुत डिफिकल्ट है। अगर इस चीज को कंट्रोल करना है तो आप अपने सोच पे कंट्रोल डालो। देन द पर्सन वॉक्स इन एंड गोज इन टू द थर्ड गेटवे, विच इज लीडरशिप ब्रांडिंग गेटवे। लीडरशिप ब्रांडिंग का ये मतलब है कि हम में सब लोग, हर एक इंसान एक लीडर है। अपने तरीके से लीडरशिप हम निभाते हैं। कैसे? अगर आप होममेकर हो या हाउसवाइफ हो, आप अपने बच्चों को लीड करते हैं, आपके हस्बैंड को लीड करते हैं, आपके बहनें और भाइयों को लीड करते हैं, आपके पेरेंट्स को लीड करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब एक एज के बाहर हो गए हैं तो उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना सारा नहीं पता होता है, या आजकल जो चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है, तो हम उनको कहीं ना कहीं अलग 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 विषयों में हम उनको लीड करते हैं, करेक्ट? एंड वी ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड अस, सोसाइटी में हमारे घर पे जो कामकाज करते हैं उनको हम लीड करते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ हाउसवाइफ और अ होममेकर यू आर लीडिंग पीपल एंड यू आर अ गुड लीडर। कॉर्पोरेट में तो आपको पता ही है, आपके टीम्स को लीड करते हैं और कहीं ना कहीं आप सब जगह आप इन्फ्लुएंस फैलाते हैं अपना। एंड बिजनेस में तो यू लीड योर क्लाइंट्स, यू लीड योर टीम्स ऑल्सो, एंड एज अ प्रोफेशनल ऑफकोर्स आपके क्लाइंट्स को आप लीड करते हो, आपके टीम्स को आप लीड करते हो। सो यू आर अ बॉर्न लीडर।
जब ये थर्ड गेटवे में जब आते हैं, आई कॉल दिस द मिडिल गेटवे। सो ये मिडिल गेटवे में क्या होता है, लीडरशिप ब्रांडिंग। सो एक इंसान आया आपके दिमाग के एक गेट में आए, तो उनका अपीयरेंस आपने यस बोल दिया एंड आपके पास आए तो आप शेक हैंड कर दिया, ओके कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, आपके बारे में और मुझे जानना। यहाँ जब आते हैं ना और वो इंसान से उस इंसान से आप पूछते हो कि आप क्या करते हो, तब वो इंसान जो बोलता है वो अपने बारे में बोलता है, अपना जो वो करते हैं, वो हो सकता है हाउसवाइफ हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं, जो भी वो करते हैं वो बोलते हैं। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन मैसेजेस जो भी आप उनसे देखते हो, उन मैसेजेस को आप रजिस्टर करते हो। ये तय करता है कि आगे उनके साथ आप संबंध रखना चाहोगे कि नहीं, बिजनेस में आगे उनके साथ बिजनेस करना चाहोगे कि नहीं, एंड कॉर्पोरेट में अगर अच्छा ये मेरे टीम के लिए लायक है कि नहीं, मैं इनसे भरोसा कर सकती हूँ कि नहीं, या इनके साथ कोई और डीलिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें तय होते हैं ये थर्ड गेटवे में, विच इज़ योर लीडरशिप ब्रांडिंग। एंड फॉर यू, इफ यू आर अ होम मेकर, यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम ओवर हियर इन द लीडरशिप ब्रांडिंग, बिकॉज मेनी टाइम्स होम मेकर्स को ये बोला भी जाता है और आप अपने आप भी सुनते हैं, मैंने भी किया हुआ है, इसीलिए मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो होम मेकर हूँ, सब लोग काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा हम सोचते हैं, अगर ऐसा सोच हम रोज सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली लीडरशिप आप क्या करते हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, ये हो जाता है। आप सुबह से देखो, सुबह से शाम तक या रात तक आप लगातार कुछ कर रहे हो, अच्छे अच्छे नाश्ता परोस रहे हो, घर को अच्छे से सजा के रखा हुआ है, बाजार जाते हो, बच्चों के साथ रहते हो, आपके बुजुर्ग को घर पे आप देखते हो, आपके पास और भी बहुत कुछ होना चाहिए बोलने को। एंड ये चीज जो है, आज जब आप ये देखोगे, इफ यू आर अ होम मेकर, एक लिस्ट बनाओगे आप, मैं आपको बोल रही हूँ, आप बनाओ बैठ के लिस्ट बनाओ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, इसमें मैं कटलेट्स अच्छा बनाती हूँ, मैं पराठा अच्छा बनाती हूँ, मैं दाल अच्छा बनाती हूँ, मेरा टैलेंट है कि मैं घर को स्पिक एंड स्पैन रखती हूँ, मेरा टैलेंट है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छा देखभाल करती हूँ, मेरा टैलेंट ये है कि मेरे हस्बैंड जब घर पे आते हैं मैं स्माइल करती हूँ, जो भी हो जाए मैं स्माइल करती हूँ, एंड मेरा टैलेंट ये कि मैं लोग मेरे साथ बात करेंगे तो मैं सुनती हूँ। पता है, एक चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सुन सकते हैं, सुनाई सबको देता है, लेकिन सुनना जो एक लिसनिंग जो है, एक एक्टिव काम है, वो काम बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप में ये चीज है या कोई भी आप में है, आप एक लिस्ट बनाओ, कोई भी आपसे पूछता है तो आप आज से ये नहीं बोलोगे अरे मैं तो होम मेकर हूँ, नहीं, आप गर्व से बोलिए मैं होम मेकर हूँ, ये आपके ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स जब आप जॉब पे हो या आप ये मत बोलना मैं तो अकाउंटेंट हूँ, नहीं, मैं अकाउंट संभालती हूँ। आप जिस तरीके से अपने आप के बारे में बोलोगे, उतना आपका लीडरशिप ब्रांडिंग ऊपर होगा, जितना आपका लीडरशिप ब्रांडिंग आप ऊपर लेके जाओगे, उतना आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा हमेशा। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, दूसरे का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर एक्सट्रीमली हाई होता है, पीक पे होता है। मैं चाहती हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहे, मैं चाहती हूँ कि लोगों को आपके ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है वो नंबर 10 पे रहे, लेवल 10 पे रहे, 10 on 10, दैट्स योर लीडरशिप ब्रांडिंग। आपको अपने बारे में जो, दैट इज द टाइम दैट यू सेल योरसेल्फ। सो वो थर्ड गेटवे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेटवे, जो अगर आप ट्रैश बिन में नहीं डालते हो तो वो लेके जाते हैं आपको फोर्थ गेटवे पे। फोर्थ गेटवे इज अबाउट रिलेशनशिप्स, दैट इज द स्पेस वेयर यू make relationships, make more clients and make more connections and you build a good relationship with people around you. ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका असली काम शुरू होता है, आपका growth यहाँ से शुरू होता है। All these four gateways, your entire personal branding, इस चीज का foundation जो है वो fifth gateway में है, वो है इनर कोर। इनर कोर मींस आप जो अंदर हैं, वो चीज आपका स्पिरिचुअल कोर जो है वो है इस सब चीज का फाउंडेशन।
एक्चुअली ये 1, 2, 3, 4, 5 गेटवे जो है बाहर से अंदर मैं आपको आपको लेके आई हूँ इस जर्नी में. अगर आप सही में देखा जाए तो इनर कोर जो है वो नंबर वन गेटवे है इनसाइड आउट में. इनर ब्रांडिंग में इनर कोर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इनर कोर में क्या आता है? आपका थॉट्स, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम, आप किस चीज़ों में बिलीफ्स रखते हैं. तो अपने आप के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर जगह जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम केपेबल, ऐसे सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता है, मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, लोग करते हैं मगर मैं नहीं कर पाऊँगी. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? मैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहूँगी. हमारे जो बिलीव्स हैं, सेल्फ बिलीफ, अपने बारे में, खुद के बारे में जो बिलीव है, वो आता है आपके बचपन में कंडीशनिंग की वजह से. क्योंकि कंडीशनिंग जो है, पेरेंट्स जो हमारे बारे में बात करते थे, जो हमने सुना, टीचर्स हमारे बारे में क्या बोलते थे, जो हमने सुना, और उनके बातचीत के तौर पे हमने अपने बारे में अपने आप को जो बोला. अगर किसी ने सुना है कि अरे मेरी बेटी थोड़ी सी सांवली है, यू नो, तो थोड़ा इतना मेरा पहला वाला जो वो बहुत गोरा है, ये मेरी बच्ची थोड़ी सी सांवली है, अगर ये आपने सुना होगा तो आपके माइंड में बैठ गया कि मैं तो सांवली हूँ, मैं तो इतनी खूबसूरत नहीं हूँ और दूसरे इतने खूबसूरत हैं, मैं नहीं हूँ. तो ये एक गलत फाउंडेशन आपके माइंड में आ गया. अगर ये आपका फाउंडेशन आ गया तो आप में कॉन्फिडेंस सबसे पहले से गिर गया है एंड सेल्फ एस्टीम जो आपका है वो डाउन है. जब भगवान ने हमको बनाया, अब सोचो ऐसे, मतलब एक साँचा लिया, एक बनाया साँचा स्पेशली, उसमें हमको डाला और हमको मोल्ड किया, हमको निकाला और इस साँचे को तोड़ दिया. ये आपने सुना है किसी फिल्म के डायलॉग में, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ ये कोई एक के लिए नहीं है, हर एक का साँचा अलग है. इसीलिए हम दिखते भी अलग हैं. हमारे थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का जो ये होता है निशाना होता है, वो हर एक, इतने सारे मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, बट किसी एक का दूसरे के जैसा नहीं है. ये यूनिकनेस नहीं है. हमारे माँ बाप अलग हैं, हमारे भाई बहन अलग हैं, हम जिस शहर में पैदा हुए हैं वो अलग है, टाइम अलग है, कुंडली अलग है, सब कुछ अलग है, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस अलग है, हम सबका टैलेंट अलग है, जिस तरीके से हम उस टैलेंट को यूज करते हैं वो अलग है, कैसे हम अपने आप का हमारा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं हमारे लिए वो अलग है, सब कुछ अलग है. तो आप यूनिक हो कि नहीं? जब आप यूनिक हो, जब आपको अभी पता चल गया आप यूनिक हो, आपके चेहरे का रंग अलग है, आपका नाक कैसा है, आंख कैसा है, ये सब अलग है, तो यूनिकनेस आप में है ना. यूनिक क्यों हो आप? आपने कभी जिग्सॉ पजल देखा हुआ है जो बच्चे करते हैं, ये यहाँ पे ये चिपकाना, वो अलग अलग पीसेस आते हैं, अलग अलग शेप के आते हैं, अगर उसमें एक भी पीस नहीं है वो खाली रहता है उस जगह पे, कोई और पीस उस जगह पे बैठ नहीं सकता. इसका मतलब ये है कि जैसे वो है वैसे हम लोग भी हैं. हम जो काम कर सकते हैं वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है. इसलिए आप जो हो वो यूनिक हो एंड आपको अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो करते हो तो कोई और नहीं कर सकता. अगर आप नहीं हो तो वो काम अधूरा रह जाएगा. तो इस यहाँ से हमारा सोच शुरू हो जाना चाहिए. लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ना, अरे उनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है, काश मेरे पास वो होता, काश मैं ऐसी गोरी होती, क्या काश मैं, मेरा कद थोड़ा ऊंचा होता, काश मैं और पढ़ी लिखी होती. दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा अपने बारे में सोचो और देखो कि आपके पास क्या है और उस चीज को कैसे आप यूज कर सकते हो. जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा जो कोर है इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. जब हमारा जो कोर है, इनर कोर है, वो स्पिरिचुअल सेल्फ, वो हमारा जब बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके ऊपर का जो रिलेशनशिप्स है ना, जब हम देखने जाते हैं रिलेशनशिप को, हम टाइट हैं, हम कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, हमारे साथ कोई भी आए उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हम कंपैरिजन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको पता है हम यूनिक हैं, हम दूसरे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, इनसिक्योरिटी नहीं होगा हमें. तो कोई भी आते हैं हम गले लगाएंगे, बोलेंगे चलो आपका, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, आप उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे एंड वो दिल से बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है और आप अपने आप में बहुत मजबूत हो, बहुत ताकतवर हो, बहुत अच्छे हो.
जब आप ऐसे फोकस करेंगे आपके रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होंगे। जब आपके रिलेशनशिप्स बहुत सुंदर होंगे आप लोगों को दोगे, बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्स दोगे, ये बोलोगे कि यू नो यू वेरी गुड एंड यू नो यू विल बी अ गिवर। व्हेन यू गिव टू पीपल योर लीडरशिप यू बिकम अ ग्रैंड बिग लीडर। आप एक बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत लीडर बनोगे। आपके लीडरशिप ब्रांडिंग को कोई छू ही नहीं सकता, आसमान पे आप उड़ रहे होंगे। जब आपका लीडरशिप ब्रांडिंग बहुत अच्छा है, लोग आपसे सलाह लेने को आएंगे, मदद लेने को आएंगे और आपके बारे में बहुत ऊंची ऊंची बातें बोलेंगे, तो आप जब उनसे बात करेंगे अंदर से आप कॉन्फिडेंट होकर बात करेंगे नेचुरली, तो आपका बॉडी लैंग्वेज तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा उसमें एंड यू विल बी शाइनिंग। एंड आपको लैंग्वेज स्किल्स का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, आप जिस लैंग्वेज में बोलोगे सही बोलोगे। आपके जो एनर्जी है बॉडी से, आपका जो वाइब्रेशंस है वो बहुत सुंदर हो जाएंगे। एंड देन दैट हैपेंस, आप कुछ भी पहनोगे, सिंपल सा सादा सा कुछ भी पहनोगे, आप यू विल गेट एंट्री एवरीवेयर। सो बिफोर वी गो इन टू द इनर, थोड़ा सा बाहर से आपको एंट्री ले लेके थोड़ा सा ऐसे अंदर एफर्ट डाल के आप एक एक गेटवे में आप जाओगे, लेकिन आप अंदर से आप स्ट्रांग बनोगे तो सारे दरवाजे आपके खुले ही खुले हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैजिकल वॉन्ड की तरह है, जो जादू है, जादुई छड़ी बोलते हैं ना, वो जादुई छड़ी जैसा है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने पास रखो, कि आप एक ऑलरेडी ब्रांड हो, आप पैदाइशी ब्रांड हो, आप ब्रांड बनने की कोशिश मत करना, आप ऑलरेडी एक ब्रांड हो। इस चीज को पैकेजिंग कैसे करना है, अंदर वाला जो प्रोडक्ट है उस चीज पे ध्यान दो, आप उसको कैसे अच्छा बनाना है और पैकेजिंग कैसे करना, सब चीज आप करो। पांचों के पांच आप गेटवे आप संभालोगे अपने बारे में। यू विल बी वन पर्सन हु इज गोइंग टू बी अ विनर व्हेरेवर यू गो। आप जो भी कर रहे हो लाइफ में उस पर आप विनर रहोगे। Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010908888. Thank you.